अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। तो नूनी मुनी सी ब्रेकिंग न्यूज है जी, और वो गुड खबरी है गाड़ियों की पाबंदी के हवाले से। हमें भी कल से ही लग रहा था, कल भी हमने एक क्लेरिफिकेशन वीडियो बनाई थी, सोचा गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो तो ही डालें। सीन क्या है कि जी आरपी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि खारजी फोर व्हील गाड़ियाँ, फोर व्हील ड्राइव जो गाड़ियाँ हैं वो रख सकते हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी जो है बाकी गाड़ियों के ऊपर है, जिसमें कुछ कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो मैंने कल सारी डिटेल भी आपसे शेयर की थी। फिर सेवन सीटर जो हैं उसके लिए अगर आपकी फैमिली है तो ही आपके नाम होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। और सारी फोर व्हील जो है वो सेवन सीटर नहीं होती, ठीक है जी। फोर व्हील गाड़ियाँ जो हैं चार डब्ल्यू डी, चार पहियों से जो चलती हैं, फ्रंट व्हील या बैक टू व्हील नहीं, जो जिसके चारों पहिए ड्राइव 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 पे होते हैं, वो जो हैं वो अलाउ कर दी गई हैं। खारजी जो है जब तक उनका ओमान में स्टे है, जब तक वो लीगल हैं यहाँ पे, वो रख सकते हैं अपने नाम पे, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। बाकी पाबंदियाँ जो हैं सेवन सीटर के मैंने बता दिया, वो उसके लिए आपकी फैमिली होगी तो ये आप अपने नाम पे रख सकते हैं। और जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं या जो छोटे मोटे ट्रक हैं, वो पाबंदी एज इट जारी रहेगी। और यह भी कि कोई भी बंदा किसी भी गाड़ी का कमर्शियल यूज़ करते हुए पकड़ा गया बगैर इजाज़त के, उसके लॉ लगेंगे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो 200 रियाल जुर्माना या इससे ज़्यादा होते हैं, वो भी जो गाड़ियां बैन हैं, जो वीज़े बैन हैं, उनके ऊपर अगर आप वो काम करता, वो सारे रूल एज इट हैं। ये सिर्फ चार पहियों वाली गाड़ी यानी जो फोर व्हील ड्राइव है वो अलाउ है, बाकी सब कवानीन एज इट हैं। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, वो भी जो है ना उसके ऊपर भी बल्ब फेर देंगे। बहुत शुक्रिया।